नमस्कार। अयोध्या में बने राम मंदिर के वैज्ञानिक स्वरूप को समझने के लिए आज मेरे साथ वैज्ञानिकों का एक समूह जुड़ा है। आप सभी रुड़की के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक हैं। आप सभी ने राम मंदिर के अलग अलग पहलुओं पर, जो विज्ञान से जुड़े हुए पहलू हैं, उन पर काम किया है। जैसे हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रदीप चौहान, आपने टेम्पल के फाउंडेशन पर एक अहम रोल प्ले किया है। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर देवदत्ता घोष, जिन्होंने टेम्पल के स्ट्रक्चरल डिजाइन पर काम किया है। हमारे साथ है मिसेस हिना गुप्ता, आपने टेम्पल के जो आर्किटेक्चर है, नागर शैली है, उसके वैज्ञानिक पहलुओं पर काम किया है। हमारे से वो जानकारी साझा करेंगी। इसके अलावा हमारे साथ है डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट, आपने मैकेनिकल डिजाइन सूर्य तिलक का जो तैयार हुआ है, जिसे लेंसेज और मिरर्स की मदद से तैयार किया गया है, वो कैसे तैयार हुआ, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इस मंदिर का, बहुत ही अलग पहलू है इस अयोध्या में बने राम मंदिर का, उसके बारे में हमें बताएंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर हरपाल सिंह, जिन्होंने एक 400 स्क्वायर मीटर का एक कपड़ा है जो फायर रेजिस्टेंट है, क्लॉथ स्क्रैच रेजिस्टेंट है, इसका क्या इस्तेमाल हुआ है मंदिर में, क्या काम कर रहा है ये, क्यों इसको बनाने की जरूरत महसूस हुई और इससे क्या मदद मिली इस पूरे डिजाइन को तैयार करने में, इस पर बात करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन में मैंने जैसे इतनी सारी चीजें बताई, बहुत सारा साइंस इन्वॉल्व किया गया है, तो ये हर बार मंदिर के बनावट में साइंस का इन्वॉल्वमेंट होता ही है। सदियों से बन रहे हैं मंदिर, हजारों साल पुराने मंदिर हम देखते हैं, इस विज्ञान का बहुत बड़ा रोल देखते हैं आप साइंटिस्ट। डॉक्टर देवदत्ता, अगर आपसे शुरू करें। अच्छा, धन्यवाद मैडम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअली सीबीआरआई जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो उनका बेसिकली जो रोल है वो है कि जितना भी भवन बनता है इंडिया में और बाहर में भी, तो उसका साइंटिफिक तरीके से उसका अध्ययन करना और उसका क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, क्या नया टेक्नोलॉजी एडोप्ट किया जा सकता है, ये सब चीजों पे अध्ययन करना। बिल्कुल जब भी राम मंदिर का जस्ट भूमि पूजन हुआ, उसका बाद उसका नेक्स्ट 7 दिन का अंदर सीबीआरआई टीम को बुलाया गया वहां पे कि साइंटिफिक तरीके से अध्ययन करना कि उसका ग्राउंड अंडरग्राउंड कैसे है, जियोफिजिकल स्टडी वगैरह करना, जो डॉक्टर चौहान आपको डिटेल तरीके से बताएंगे, जो जी हम जनरली कोई नॉर्मल बिल्डिंग बनाते हैं तो नहीं करते हैं। नॉर्मल बिल्डिंग ओके बनाते हैं तो एक दो बोर होल करते हैं, अंदर में क्या है नहीं है उसको, क्योंकि प्रॉपर फाउंडेशन, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है तो उसके लिए हमने ये सब स्पेशल चीजें करना पड़ा। ऐसे ही स्ट्रक्चर में भी हमें जनरली कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो 50 साल के लिए डिजाइन करते हैं, अर्थक्वेक लेते हैं तो 500 साल का रिटर्न पीरियड ऑफ अर्थक्वेक हम कंसिडर करते हैं। इस स्ट्रक्चर को डिजाइन स्पेशली डिजाइन करने के लिए, जिस पर जैसे उनका रिक्वायरमेंट था कि 1000 साल तक होना चाहिए डिजाइन लाइफ, अर्थक्वेक होना चाहिए जो अराउंड 2500 ईयर्स का जो अर्थक्वेक है उसको आपको कंसिडर करना है। तो ये सब चीजें बहुत डिटेल में स्टडी किया गया, साइंटिफिकली स्टडी किया गया के लिए। अभी जब स्ट्रक्चर बन भी रहा है तब भी हम रेगुलरली विजिट करते हैं, उसका गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि ये इस तरीके से और होना चाहिए और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो देखकर ही हमें अंदाजा होता है, और उसके बारे में जितनी भी मेरी खुद जो शिल्पकार हैं उनसे बात हुई, उन्होंने भी बताया कि साइंटिस्ट की टीम ने किस तरह से उनकी मदद की इस मंदिर के डिजाइन को और बेहतर बनाने में। किसी भी इमारत की, और खासतौर से राम मंदिर की इमारत की, जैसा आपने जिक्र किया, नींव बहुत ही जरूरी होती है, नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए। अलग तरह से उस पर रिसर्च की गई, उस पर विज्ञान ने क्या वैज्ञानिक पहलू उसमें जुड़े हुए थे। अगर डॉक्टर चौहान, अगर हम आपसे समझे फाउंडेशन स्टोन को लेकर के टेम्पल के। जी कि 5 अगस्त को भूमि पूजन हुआ था और 7 दिन के अंदर 13 अगस्त को मैं अपनी टीम के साथ वहां पर जियोफिजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए मौजूद था। तो और हमारे जो उस समय निदेशक थे डॉक्टर गोपाल कृष्णन, उन्होंने हम लोगों से कहा कि नहीं, आपको जाना है और इस कार्य को करना है। तो आप 13 अगस्त से 16 अगस्त तक हम लोगों ने जियोफिजिकल इन्वेस्टिगेशन किया, मल्टी चैनल एनालिसिस ऑफ सरफेस वेव्स, उस जियोफिजिकल मेथड को यूज करके जमीन के अंदर कैसी जमीन है, कैसी सॉइल टाइप है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, क्योंकि जब हम कभी फाउंडेशन डिजाइन करते हैं तो उससे पहले हमें सेस्मिक पैरामीटर्स भी निकालने पड़ते हैं, जिससे कि हमें मालूम पड़े कि वहाँ रिस्पॉन्स ग्राउंड का कैसा होगा। तो उसके लिए हमने MASW और ERT अर्थ रेजिस्टिविटी टोमोग्राफी किया, और इसमें मेरे साथ और हमारे जो एक ग्रुप है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का,
सभी लोग लगे थे। इस टीम में लीड कर रहे थे डॉक्टर मनोजीत सामंता, डॉक्टर डीपी कानूनगो, और मेरे साथ थे कौशिक पंडित, डॉक्टर एस सरकार और आनिंद्या पाइन, जिन्होंने सेस्मिक पैरामीटर्स निकाले, और एम विनोद एंड गणेश, जिन्होंने जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया। जब हमको मिट्टी के बारे में सारी जानकारी मिल गई कि किस तरह की मिट्टी है क्या, फिर प्रश्न उठा कि किस तरह की फाउंडेशन होनी चाहिए। तब वहां पर फिर से एक टेक्निकल टीम विशेषज्ञों की जुड़ी, जिसमें आईआईटी मद्रास का काफी योगदान रहा, और हम लोगों ने पाया कि हमको वहां से करीब 15-16 मीटर डेप्थ तक की मिट्टी को हटा के वहां पर रोलर कंक्रीट और उस सब को लगाने के बाद फाउंडेशन मिट्टी को मजबूत इतना करते चले जाएंगे जिससे कि हमारा स्ट्रक्चर सेफ रहे। और फिर हमने उसी के साथ साथ वहाँ सेंसर्स भी कुछ लगाए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के टाइम में जो भी कुछ डिफरेंशियल सेटलमेंट या कुछ ऐसी चीज अगर होती है तो वो भी हम मॉनिटर कर सके। हेल्थ मॉनिटरिंग ऑफ राम मंदिर भी अति आवश्यक है, जिससे कि अगर कहीं पर कुछ कमी होती है तो हम वहीं के वहीं उसको दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने फाउंडेशन इतनी मजबूत दी कि वो 1,000 साल तक के लिए स्थायित्व प्रदान करे। जी। जब हम फाउंडेशन की बात करते हैं, उसके बाद बात आती है कि हमने वो ढांचा तैयार किया। तो एक ढांचा जो है वो तो आर्किटेक्चर डिजाइन करके देता है आपको, एक ढांचा दिखाता है, एक एक मॉडल होता है जो तैयार किया जाता है कि हम मंदिर का स्वरूप कुछ इस तरह का देखना चाहते हैं। इसके जब बाद जब उस मंदिर के स्वरूप को विज्ञान के नजरिए से देखा जाता है, इसमें क्या फर्क होता है और किस तरह से आप लोगों ने, आप सभी साइंटिस्ट ने मिलकर, स्पेसिफिकली मुझे बताया गया डॉक्टर देवदत्ता आप स्ट्रक्चरल डिजाइन पर काम कर रहे थे, स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हुए जब आपको एक ऑलरेडी मॉडल दिया गया है उसके बेसिस पे आपको स्ट्रक्चर और उसके एलिमेंट्स को डिजाइन करना है, किन बातों का ध्यान रखा, वैज्ञानिक पहलू क्या रहे? एक्चुअली साइट स्पेसिफिक रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम चीज एक चीज होता है। जैसे अर्थक्वेक होता है एक ग्राउंड में, कि जैसे डिफरेंट जोन में हम इंडिया का एरिया को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारा 4 जोन है, तो ऐसे जोन 2 से लेकर जोन 5 तक डिफरेंट जोन है। तो अयोध्या जो जोन 3 में आता है, लेकिन हमने साइट स्पेसिफिक जैसे जियो फिजिकल इन्वेस्टिगेशन MASW ने परफॉर्म किया, CBRI ने, तो इसमें से जो सिग्नल रिसीव हुए उससे हमें MASW मल्टी जनरल सर्फेस वेव एनालिसिस का बाद हमें पता लगा कि इसका साइट स्पेसिफिक कितना एम्पलीफिकेशन हो रहा है। तो उसका साइट स्पेसिफिक रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम हमने बनाया। वो साइट स्पेसिफिक रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम को हमने एज ए स्ट्रक्चर का एज ए इनपुट प्रोवाइड किए, क्योंकि स्ट्रक्चर को हमें उस टाइप का फ्यूचर अर्थक्वेक के लिए हमें डिजाइन करना था, जो एग्जिस्टिंग जोन है उसके लिए नहीं। जो कॉन्वेंशनल बिल्डिंग डिजाइन होता है तो उनसे हम काफी आगे जाके इस स्ट्रक्चर का डिजाइन के बारे में सोचे कि कैसे इसको डिजाइन करना है। फाउंडेशन बना, ये बना रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट से, जैसे चौहान सर ने बताया कि टोटल 14 मीटर नीचे से हम हर एक लेयर में अराउंड से 60 लेयर्स में बना रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, जो एक आर्टिफिशियल रॉक जैसा बना। तो उसका जो मिक्स डिजाइन है वो भी IIT मद्रास ने परफॉर्म किया, कि हमें M3 to M7 ग्रेड का कंक्रीट यूज करना है, जो एक नॉमिनल ये है, और उसका ऐसा है कि विद टाइम एक आर्टिफिशियल रॉक जैसा बिहेव करे। उसका बाद हमने एक 1.5 मीटर का फाउंडेशन दिया, राफ्ट फाउंडेशन जिसको बोलते हैं, कंक्रीट फाउंडेशन, जिसमें कोई सरिया नहीं है। तो इस बिल्डिंग में कहीं किसी जगह में सरिया नहीं यूज हुआ। इसका रीजन ये रहा कि जैसे बिल्डिंग को हमें 2,500 या 1,000 साल के लिए डिजाइन करना है, तो सरिया लगाएंगे तो कोरोशन होगा, कोरोशन होगा तो उसमें एक्सपेंशन होगा, स्पॉलिंग होगा, तो स्ट्रक्चर डिटोरिएट करेगा, उसका लाइफ रिड्यूस होगा। तो सरिया का कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ, किसी भी तरीके का सरिया इस्तेमाल नहीं हुआ। तो 1.5 मीटर राफ्ट का बाद लगभग 6.35 मीटर का प्लिंथ बना, जो हम लोअर प्लिंथ बोलते हैं, जो बना ग्रेनाइट स्टोन से। कर्नाटक से ग्रेनाइट स्टोन मंगाया गया, बड़े बड़े ग्रेनाइट स्टोन को इंटरलॉकिंग ब्लॉकिंग अरेंजमेंट का तरह उसको ऐसे डिजाइन किया गया, सो दैट कोई भी सिस्मिक फोर्स में, कोई भी डायरेक्शन में, जैसे XY डायरेक्शन होता है ना, प्लेनर डायरेक्शन, उसमें कोई मूवमेंट ना हो। तो इस ढंग से उसका स्टोनों का अरेंजमेंट किया गया, और एक एक स्टोन का भी बहुत बड़े बड़े ब्लॉक लगाया गया। छोटे ब्लॉक को हमने इस डिजाइन में यूज ही नहीं किया। जैसे सीबी सोमपुरा ने जो जियोमेट्री प्रोवाइड किया, उसको फाइनाइट एलिमेंट में हमने मॉडल किया। फाइनाइट एलिमेंट क्या, एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोसीड्योर होता है जिससे हम पूरा स्ट्रक्चर को छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड करते हैं। उसका फोर्स ट्रांसफर एज पर द बाउंड्री कंडीशन
हमें इंश्योर करना होता है। तो जो भी बाउंड्री कंडीशन रहा है कि नीचे वाला बेस को एज पर द साइट कंडीशन उसको सिमुलेट किया, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को ओके हमने एज ए इनपुट दिए कि हाँ ये स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ इतना है, और जी जी जो लोडिंग है, जो अर्थक्वेक का लोडिंग है, तो रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, जो साइट स्पेसिफिक रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम है, उसको भी हमने स्ट्रक्चर में प्रोवाइड किया। फिर स्ट्रक्चर में जैसे विंड लोड है उसको भी डिफरेंट डायरेक्शन में अप्लाई किए, लाइव लोड है जैसे टेम्पल में पूरा क्राउडेड रहेंगे तो कैसे सिनारियो होगा, तो वो सब भी हमने प्रोवाइड किया कि इतना लोग आ सकता है, वो भी हमने चेक किया कितने लोग आ टेम्पल सकते में। हैं? तो वो चीज मैं अभी नहीं बताना चाहूंगा, ओके ठीक है लेकिन जी जितना जी मैक्सिमम हो सकता है उसका लोडिंग हमने कंसीडर किया। कोशिश की गई है जैसे जी आप, जी जी हाँ, नहीं, जितना जितना मैक्सिमम, मान लीजिए पूरा टेम्पल क्राउड लोगों में ही भर गया है, तब जो कैपेसिटी ऑफ द टेम्पल है उतना लोडिंग हमने स्ट्रक्चर में डाला हुआ है, तो कोई ओके भी डायरेक्शन में उसको एनालिसिस करना बाकी नहीं रहा। मतलब जो भी टाइप का लोडिंग था, सभी टाइप का लोडिंग से हमने उसको एनालिसिस किया, उसका बाद हमने उसको डिजाइन किया। तो जैसे आप देखेंगे शुरू में जो मॉडल इंटरनेट में सर्कुलेटेड है, जो इनिशियल आर्किटेक्चर है, उसमें आप एक ऑक्टागोनल डोम देखेंगे पहले ही, तो अभी जो है वो एक पिरामिडल डोम है, स्ट्रक्चर जो बन रहा है, तो वो बेसिकली हमारा डिजाइन का बाद मॉडिफिकेशन हुआ। आप देखेंगे पहले आउटर पेरीफेरी में काफी ओपनिंग से किसी भी डायरेक्शन से आप निकल के आ सकते हैं, तो वो अर्थक्वेक के लिए सेफ नहीं था, तो हमने अर्थक्वेक को जब कंसीडर किया तो उस जगह में एक वॉल प्रोवाइड किया, बहुत सारा ओपनिंग से, उसमें हमने स्टोन जाली जाली वर्क प्रोवाइड किया, 300 mm का वॉल प्रोवाइड किया, जो सिंगल कॉलम सिस्टम था उसको हमने ट्रिपल कॉलम सिस्टम में कन्वर्ट किया, तो एक काफी ज्यादा स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन सिस्टम हुआ। उसका बाद मेन चैलेंजेस जो था कि कुछ स्टोन्स ऑलरेडी साइट पे रखा हुआ था उसको भी हमें इस्तेमाल में लेना था, क्योंकि आप फ्रेश डिजाइन करते हो तो आपके पास एक फ्रीडम है, आप नया तरीके से कर सकते हो, तो उसको भी यूज करना कैसे है एज पर आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर इंस्ट्रक्शन, ट्रस्ट इंस्ट्रक्शन, तो उसको भी करने के लिए भी हमें बहुत सारा मॉडल पे स्टडी करना पड़ा। तो अराउंड 50 मॉडल, फाइनल एलिमेंट मॉडल राम मंदिर का, श्री राम मंदिर अयोध्या का, उसको हमने स्टडी किया, एनालिसिस किया कि कैसे वो परफॉर्म कर रहा है डिफरेंट अर्थक्वेक सिनेरियोज के लिए। उसका जी बाद जो बेस्ट मॉडल है उसको हमने रिकमेंड किया, ये कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। बिल्कुल। तो जब स्ट्रक्चर की बात हो रही है और आपने आर्किटेक्चर का जिक्र किया, तो हिना जी आप हमें बताइए कि नागर शैली आर्किटेक्चर जो है उसको फॉलो किया गया है, इसके इसको किस तरह से विज्ञान के साथ जोड़ा गया और क्या अलग किया गया है? जी, तो जैसे हम जानते हैं कि इस टेम्पल को हमने नागर शैली स्ट्रक्चर में बनाया है। तो जैसे नागर शैली स्ट्रक्चर होता है जिसमें 5 मंडपास होते हैं, जिसमें सबसे पहला मंडप होता है गर्भगृह, जिसमें हमारे भगवान विराजते हैं। उसके ऊपर जो शिखर, जो सबसे हाइटेड पोर्शन होता है, तो जो इसकी जो हाइट है वो 161 फीट तक जा रही है। और उसके बाद हमारे और मंडप्स आ जाते हैं, जैसे गुड़ मंडप, रंग मंडप, नित्य मंडप, प्रार्थना मंडप्स, जो इसके विंग्स हैं। तो इस तरीके से, लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात है कि इसमें कोई सरिया यूज नहीं हुआ है, तो ये पूरा एक ड्राई स्टोन स्ट्रक्चर है। तो ड्राई स्टोन में सिर्फ स्टोन्स का स्टोन के ऊपर इंटरलॉकिंग करके हमने इसको बनाया हुआ है। और जी जितने भी जो डोम्स बने हुए हैं वो सब डबल डोम स्ट्रक्चर हैं। तो अंदर आपको ओके ऑक्टागोनल डोम दिखेगा, बाहर से आपको पिरामिडल शेप डोम दिखेगा। अच्छा, तो इसमें ये एक स्ट्रक्चर है। तो मॉडिफिकेशन एक तरह इसमें से हमने देखा क्या जाए। किया कि जैसे जो भी इनके जो कंपोनेंट्स थे, जैसे जो नागरा आर्किटेक्चर में जो यूज होते हैं, जैसे जो कॉलम्स यूज होते हैं, जो डोम्स यूज होते हैं, वो उन्हीं को हमने मॉडिफाई किया कि वो कैसे लोड ले सकते हैं और ज्यादा, और जो उनमें जो आर्टिफैक्ट्स वगैरह हैं उनको ही लोडिंग एलिमेंट्स बनाया गया। तो इस तरीके से हमने उसका आर्किटेक्चर को ही यूज किया। जैसे जैसे बिल्कुल मान बहुत लीजिए सही किसी जी। जगह में हमें ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए, तो वहां पे हमने हाथी इंट्रोड्यूस किया, तो साउदर्न और नॉर्दर्न साइड में आप जो दो बड़े बड़े हाथी देखेंगे वो बेसिकली स्ट्रक्चरल एलिमेंट का भी पार्ट है। जी, इस मंदिर को बनाते हुए, अयोध्या में जो राम मंदिर बना है इसे बनाते हुए एक सूर्य तिलक ये कॉन्सेप्ट भी डाला गया, जो कहता है कि रामनवमी के दिन हमारे जो रामलला हैं उनके उनको सूरज का तिलक लगाया जा सके, इसके लिए भी वैज्ञानिकों की मदद ली गई और उनसे कोशिश की गई कि वो कुछ ऐसा डिजाइन में चेंज करें या वो कोई ऐसे नए एलिमेंट्स ऐड करें जिससे ये मुमकिन हो सके। ये कैसे किया गया अगर हम समझना चाहें, डॉक्टर रविंद्र आप हमें इसके बारे में अगर बताएं। जी ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली इसमें क्या है, सूर्य की रश्मियों से तिलक करना है। तो जी इसमें
सीबीआरआई के अलावा और दो संस्थान हैं जो इस पे जुड़े हैं, जो इस प्रोजेक्ट में। सबसे पहले तो इसमें इम्पोर्टेंट जो आता है कि साइंटिफिक कैलकुलेशन, जैसे हम जानेंगे कि हमें जो सूर्य की किरणों को लाना है थर्ड फ्लोर से गर्भगृह तक आइडल के फोरहेड पर पहुंचाना है। तो मेन इसमें जो चैलेंज है, एक तो हमारा जैसे हम कैलेंडर देखें, जैसे हम लूनर कैलेंडर इसमें फॉलो करते हैं, रामनवमी जो एवरी ईयर जो आता है वो डेट्स चेंज होते रहता है, कभी जैसे अप्रैल में आ गया, कभी इस तरीके से, वो डेट एक फिक्स डेट नहीं होता है। सो दैट इज वन चैलेंज। अनदर इम्पोर्टेंट चैलेंज जो है कि राम मंदिर जो है उसका आर्किटेक्चर ऐसा है कि सनरेज डायरेक्टली फोरहेड तक नहीं जा सकती है, तो वो एक दूसरा चैलेंज था कि उसको कैसे हम लाएंगे थर्ड फ्लोर से गर्भगृह तक कैसे लाना है। तो जो लेंसेज और मिरर वो एक इम्पोर्टेंट है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट एक और चैलेंज है कि उसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए और उसका साइज क्या होता है, तो उसके हिसाब से सारी कैलकुलेशन जो है, हमारी एक संस्थान है इंडियन एस्ट्रोफिजिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु बेस्ड, उनने सारे कैलकुलेशंस दिए जो लेंसेज और मिरर कितने लेंसेज हमारे लगने हैं। जैसे हमारा क्या है कि थर्ड फ्लोर से हमें लाना है गर्भगृह तक लाना है, तो वो अबाउट 15 मीटर के हाइट से हमें वो सूर्य की किरणों को ला के फोरहेड तक ले जाना है, तो उसमें कितने लेंसेस लगेंगे। जैसे उनके कैलकुलेशन के हिसाब से ये डिसाइड हुआ कि उसमें 4 मिरर लगेंगे, 4 लेंसेस लगेंगे, और उसके हिसाब से जो सीबीआरआई का काम था कि वो सारे जो ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम है उनका डिजाइन करना। और उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो हिस्सा है वो है मिरर टिल्ट मैकेनिज्म, जो कि थर्ड फ्लोर पे रखा जाएगा। जो पहला मिरर है, क्योंकि जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हर साल जो रामनवमी का डेट चेंज होगा, तो जैसे सूर्य हमारा पूरब से पश्चिम की तरफ जाता है, स्लाइडली जियोग्राफिकल अगर हम अयोध्या इधर साइड देखें तो टिल्टेड टुवर्ड्स साउथ, तो जो हमें रे को जो भेजना है वो हॉरिजेंटली सबसे पहले भेजना है, जो नॉर्थ डायरेक्शन में आएगा। तो जो पहला मिरर है, हर एक साल इसको हल्का सा हमें इसमें पोजिशन टिल्ट जो है चेंज करना पड़ेगा, ताकि ताकि जो ये रे है हॉरिजेंटली आएगा। तो वो जो मिरर टिल्ट मैकेनिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, उसको वैलिडेशन है, वो सीबीआरआई में उसको डिजाइन किया, पहले हमने लैब लेवल पे ही उसका कॉन्सेप्ट भी वैलिडेट किया। तो जैसे जैसे हमारे डिजाइन सारे पूरे हो गए ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम का, एक और दूसरी संस्थान है जो ऑप्टिका है, वो भी बेंगलोर बेस है, उन लोगों का काम जो है पूरा उसको फैब्रिकेशन करना है। फिर इसमें जो मटेरियल है वो सारे ब्रास मटेरियल से जो पाइपिंग सिस्टम है, क्योंकि वहां पे हमारा लोहा लगता नहीं है मंदिर में, सो दैट इज ऑल्सो अनदर चैलेंज की फैब्रिकेशन, और वो सारा जो हमारा एक जो तीसरी संस्थान है ऑप्टिका, वो उन लोगों के किया। फाइनली सीबीआरआई और ऑप्टिका दोनों संस्थान जो कि आईएए के गाइडेंस के हिसाब से वो सारा इंस्टॉलेशन का काम कर रहा है। अभी हमने जो राम मंदिर में फर्स्ट फेज का जो ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली गर्भगृह में जो है, और बाकी इंस्टॉलेशन का काम जैसे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है, जैसे थर्ड फ्लोर जब कंप्लीट होगा, तो फिर हमारा पूरा जो ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम वो इंस्टॉल करके, और होपफुली अगर हमारा जो कंस्ट्रक्शन थर्ड फ्लोर का कंप्लीट होता है, तो 2024 में जो हमारी रामनवमी होगी, होपफुली उसमें हम वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। तो अभी 1 साल इंतजार करना पड़ेगा इस चीज को हमें देखने के लिए। लेकिन मैं एक चीज ये समझना चाह रही हूँ कि जो भी आपने ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हैं, जो लेंस और मिरर्स लगाए हैं, क्या ये पब्लिकली देखे जा सकेंगे? मैं अगर मंदिर में जाऊं तो मैं ये देख सकती हूँ जो भी आप लोगों ने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हैं? मैम पब्लिकली तो एक्चुअली ये क्या है, ये जैसे हमारा जो मैं बात कर रहा हूँ मिरर M4 और L4, ऑलरेडी जैसे फाइनल मिरर से वो फोरहेड तक आएगा, ऑलरेडी वो हमारे जैसे वॉल के साथ ऑलरेडी फिटेड है, और ये क्लैडिंग होगा, तो मोस्टली ये दिखेंगे नहीं, फाइनली तिलक दिखेगा उसमें तिलक और दिखेगा वही जो फाइनल। वही देखना भी चाहते हाँ हैं श्रद्धालु। हाँ तो मैकेनिज्म रहेगा वो हमारा थर्ड फ्लोर पर रहेगा सिचुएटेड, और वो भी केसिंग के साथ प्रॉपर प्रोटेक्शन और ये सारे चीज रहते हैं, क्योंकि मंकी ऑफ ये कोर्स। सारा चीज है वो सब भी हमने ध्यान पे रखा हुआ है कि कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है और वो सारे चीज है। आखिर में एक और जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, फायर रेजिस्टेंट और स्क्रैच रेजिस्टेंट क्लॉथ,
क्या क्लॉथ है ये, किस काम आता है? डॉक्टर हरपाल, अगर आप हमें इसके बारे में बताएं। जी कि CSIR CBRI रूड की राम जन्मभूमि अयोध्या के साथ जो है वो 1996 से एसोसिएटेड है, और ये तब से है जब रामलला आइडोल को जो है वो एक टम्परेरी मेकशिफ्ट स्ट्रक्चर में रखा गया जी था। ये टम्परेरी मेकशिफ्ट स्ट्रक्चर जो है वो कॉटन कैनवास, लकड़ी की बल्लियों, रस्सियों, इस तरह की चीजों से करके इसको बनाया गया था। जी अब जैसा आप सब लोगों को मालूम है कि ये इस तरह की सारी चीजें हैं वर्चुअली, ये सब ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, और इनको अगर आग में अगर इनको थोड़ा सा भी एक्सपोज करें तो ये आसानी से सब जलते हैं। और इसका कारण ये है ओके चूंकि ये सब ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं और ये सेलुलर से सब बने हुए होते हैं, और उनमें ग्लूको ग्लूकोसेन जो है एक केमिकल्स है जो इनमें बड़ी मात्रा में पाया जाता है, उससे सब आसानी से जलता है। अच्छा और दूसरा जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ था, एक उसमें प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जलने की तो प्रॉब्लम थी ही, साथ में बरसात के टाइम में कैनवस से पानी भी जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर आता था। और तीसरी प्रॉब्लम इसमें ये थी चूंकि उस एरिया में बंदरों की बहुत ज्यादा तादाद है, तो उनकी ओके उछल कूद की वजह से इसमें वियर एंड टियर भी बहुत हो रहा था। तो उसके तो CBRI ने क्या किया, CBRI ने फिर एक केमिकल कोटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो तैयार किया संस्थान में ही, और उसके बाद 400 मीटर स्क्वायर कॉटन कैनवस को दोनों साइड में ट्रीट करके उसको ऐसा बनाया गया कि उसपे आग और पानी का असर ना हो। जी साथ ही इस स्ट्रक्चर में जैसे मैंने बताया कि वुडन पोल्स और रस्सियों का भी इस्तेमाल किया गया था, तो उसी कोटिंग को वुडन पोल्स और रस्सियों पे भी कोट करके उनको भी ऐसा बनाया गया ताकि उनपे आग का कोई असर ना हो। जी और इसके बाद ये जो 400 मीटर कॉटन कैनवास को पूरी तरह से ट्रीट करके इसको अयोध्या भेजा गया, और साथ ही बाद में उनका थोड़ा सा एक जो है रिजर्वेशन ये भी था कि इस कॉटन कैनवास को स्टिच भी किया जाएगा, ओके तो उसमें जो धागा इस्तेमाल होगा अगर वो जलेगा तो फिर तो पूरा पर्पज ही फेल हो जाएगा। तो हमने जी वर्चुअली उस धागे को भी ट्रीट करके उसको भी ऐसा बनाया कि उस पे आग का कोई असर ना हो, और उसके बाद उस पूरे मटेरियल को यूज करके पहली बार इस स्ट्रक्चर को 1996 में इस तकनीक को यूज करके बनाया गया। अब किसी भी मटेरियल की एक पर्टिकुलर लाइफ होती है, तो दोबारा इस पूरे मटेरियल्स को दोबारा फिर रिप्लेस किया गया 2003 में, और अंत में फिर इसको 2015 में इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके इस मेकशिफ्ट स्ट्रक्चर को फिर ऐसा बनाया गया कि जिसपे आग पानी और वियर एंड टियर का कोई प्रभाव ना हो। तो लास्ट में ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल 2015 पे किया गया था, और जो अभी तक जो मेकशिफ्ट स्ट्रक्चर है उसी मतलब अभी तक ये स्ट्रक्चर इसी टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। और जैसा आपको विदित ही है कि चूंकि 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो अब इस टेम्परेरी स्ट्रक्चर से रामलला आइडोल जो है निकल के वो मंदिर में प्रवेश बहुत करेंगे। बढ़िया, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा धन्यवाद आम लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए कि मंदिर को बनाते हुए जो सब चीजें हम बाकी देख रहे हैं, जो हमें तस्वीरों में दिखती हैं, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, सारे क्या कहते हैं, वहां पे बहुत सारा स्टाफ है जो काम कर रहा है, बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं, हर दिन एक नया स्ट्रक्चर उसमें तैयार हो रहा है, उसके पीछे आप वैज्ञानिकों का कितना अहम रोल है, कितनी मजबूती से आप उस स्ट्रक्चर को खड़ा करने में मदद कर पा रहे हैं। तो आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच मेरे इस इंटरव्यू के लिए समय निकालने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। आपने हम लोगों को समय दिया और हमारी बात जनता तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रही हैं। इसके लिए जी CBRI की ओर से मैं आपका अपनी पूरी टीम की ओर से धन्यवाद कहता थैंक यू सो मच सर, नमस्कार।